बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने अपने चैप्टर 4 को कंप्लीट करना है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है अनकंजर्वेशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ना है, जिसमें नंबर 1 आता है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। फिर इस तरह सो ऑन हम आगे पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। अच्छा, अब सबसे पहले ना, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया हो चैप्टर 4 का, लाइक 3 का, 2 का, 1 का, तो आप मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके बच्चे? हाँ जी। इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? तो उसकी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स आपको टाइमली मिल जाएँ और आप उसको। नंबर 1 है सबसे पहले हमारे पास एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। अब सबसे पहले बेटे आपको पता हो टाइड्स है क्या? तो बेटे टाइड्स आती हैं किसमें? ओशंस में, समुंदर में आती हैं। अब इसका इसकी कॉज क्या है? इसकी कॉज है बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है। किसकी ग्रेविटी? मून की। तो बेटे ये MCQs भी आ जाता है कि टाइड्स का जो कॉज क्या है, ठीक है, वो क्या है? मून है, याद रखना है। अब मून की तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसकी सरफेस पे खड़े हो सकें। आपने पढ़ा 1.62 समथिंग वैल्यूज है उसकी जी की, लेकिन वो इतनी इनफ होती हैं कि वो क्या करती हैं, समुंदर में लहरें उठाती हैं, टाइड्स बनती हैं। दिन में 2 बार तूफान आता है समुंदर में, जो सारा साहिल पे कचरा वगैरह छोटी छोटी मछलियों को, मुर्दा मछलियों को ले आता है, ठीक है, हाँ, जिससे समुंदर की सफाई भी हो जाती है। तो ये जो लहरें आती हैं बेटे समुंदर में, उन्हें हम टाइड्स बोलते हैं। उसके आपको कोर्स पता चल गया इसका? तो बेटे इसी तरह बेटे बता रहा था कि मून में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स आती हैं। और बेटे ये जो टाइड्स आई हैं ना, ये सरफेस को 25 सेंटीमीटर क्या कर देती हैं बच्चों? पुल कर देती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको ये पता हो, ये साइड पे आपको लिखा हुआ इसी पेज पे मिलेगा, ठीक है। हाँ, 25 सेंटीमीटर तक अर्थ की सरफेस को वो पुल कर लेती हैं, फिर वो नीचे आ जाती हैं। तो बेटे आप सबसे पहले अगर आपने इनका फ़ायदा उठाना है, ये तो अभी मैंने बताया ये इनका कोर्स क्या है, कैसे आएंगी, क्या क्या करती हैं, अब इनको हम यूज़ कैसे लेके आएंगे नॉन कंजर्वेशन एनर्जी सोर्सेज में, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटे अगर आप इधर बनाए ना एक डैम, ठीक है, अब डैम लाइट से ये देखें, ये बॉटम है ओशन का, ठीक है, ये ओशन हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये सारा सरफेस है, वाटर है ये सारा हमारा, ठीक है, ये सारा वाटर है, आप कह सकते हैं ये हमारा वाटर है, ये वाटर, दिस इज़ आवर वाटर ऑफ ओशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक डैम को बिल्ट करें, कि लेट से ये आपके पास एक डैम है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसमें एक आप देखें यहाँ पर एक रीजन है, ठीक है, जहाँ पे वो लहरें ऊपर नीचे अप डाउन मूव करती हैं, जिसकी मूवमेंट को आप यूज़ करके एनर्जी बना सकते हैं, कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना बेटे। हाँ, यहाँ पे टर्बाइन होते हैं, टर्बाइन रन करेंगे। तो मैंने क्या बताया, डैम के अंदर अप एंड डाउन होता है टाइड्स का, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, जिससे क्या होगा, टर्बाइंस मूव करेंगे, ठीक है, विच रन द टर्बाइंस, ठीक है, इसने क्या किया है, टर्बाइंस को रन कर दिया, विच रन द टर्बाइंस। जब टर्बाइंस रन करेंगे उससे क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद है आपको बात समझ आई है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी फ्रॉम टाइट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी तरह बेटे हमारे पास एक सेकंड है, उसका नाम है, एक साइंटिस्ट था, उसने एक बनाया जिसका साइंटिस्ट का नाम था साल्टर, उसके नाम से साल्टर डक हमने बनाया। डक आपको पता है बतख को बोलते हैं, जिसके आधा जिस्म पानी के अंदर होता है, आधा पानी के ऊपर होता है, बिल्कुल इसी तरह इसने एक डिवाइस बनाई है, ठीक है ना, जिसका नाम है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक उसका हिस्सा है बैलेंस डक, और एक उसके हिस्से का नाम है डक फ्लोट, फ्लोट डक, ठीक है बच्चे, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। इसी तरह बेटे अब आगे देखें कि ये क्या है, हमारे पास होगा क्या, ये इस तरह से ना एक यूँ समझ लें, एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, इस पीस का आधा हिस्सा ये कह लो पानी के अंदर है, और ये ऊपर वाला हिस्सा सरफेस पे होता है। तो जब इसमें भी वही काम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, तो जब टाइड्स हमारी
अप एंड डाउन होती हैं, आपको पता है वाइब्रेट करती हैं, ऑसिलेट करती हैं। इस अप एंड डाउन मूवमेंट से इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बिजली प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा ये हमारा है सेकंड, ठीक है। हाँ अब चलते हैं अपने बेटे, हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है जो क्या है, एनर्जी फ्रॉम सोलर सेल। तो सोलर सेल में हम एनर्जी कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले सोलर सेल की एक डेफिनेशन है जो आपको पता हो। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ सेल, ठीक है, विच कन्वर्ट डायरेक्टली कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू, लाइट को किस में कन्वर्ट करेगा ये? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसे हम बोलेंगे सोलर सेल। ये सोलर सेल की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है बच्चों? सोलर सेल की, याद रखना है आपने। अब बेटे सोलर सेल में क्या होता है? बेटे इसमें ना बेसिकली एक सिलिकॉन वेफर होता है, ठीक है। अब सिलिकॉन आपको पता है एक मेटल है, सिलिकॉन एक मेटल है बेटे। मेटल के पास होते हैं जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इन पे लाइट पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इनको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, इनकी इनका फ्लो होगा। जब फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस आपने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या प्रोड्यूस होगा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना बच्चों। बात समझ आई होगी आपको, उम्मीद है, ठीक है। तो ये मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरह बेटे सोलर सेल को दूसरा नाम है इसका फोटो सेल, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो ये बहुत सारे, अब एक फोटो सेल से जो सिंगल सेल है, इससे इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो हम क्या करते हैं बेटे, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हम यूज़ करते हैं। कौन से? फोटो सेल, ये सोलर सेल, उनको आपस में जोड़ देते हैं एक प्लेट पे, पैनल पे। इसे हम कहते हैं सोलर पैनल। हमारा जो सोलर पैनल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा, आप देखें ना प्लेटें लगा के, क्योंकि एक प्लेट में बहुत सारे फोटो सेल हैं, तो ज़्यादा प्लेटें लगा के आप पूरे घर को चला सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें ना कोई पोल्यूशन है, ठीक है ना, इसके कोई और साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जितनी एनर्जी के यूज सोर्सेज हैं उन तमाम के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे विंड एनर्जी में वो पंखे तेज चलेंगे, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट बर्ड्स को नुकसान होगा, क्योंकि बर्ड्स उसके अंदर आ जाएंगे, वो तो मर जाएंगे, उनके ये जख्मी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह बेटे ये जो हम बर्निंग करते हैं फ्यूल्स को, उससे पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। इस तरह हर एक के बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है। हाँ, जैसे इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत सिंपल सी एक टेक्नोलॉजी है हमारी, ये लाइफ टाइम चलती रहेगी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बच्चों इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बायोफ्यूल, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इसमें फर्मेंटेशन का वर्ड भी यूज़ हुआ है, बायोफ्यूल फर्मेंटेशन, कंबस्चन का भी वर्ड यूज़ हुआ है। अब बेसिकली ये होगा क्या? सबसे पहले ना बच्चों, आपको पता है बायोमास क्या होता है, ठीक है ना। बायोमास हमारा जो बायोमास है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में, बायोमास समझ लो हम जो वेस्टेज होता है। वेस्टेज कौन कौन सा? एनिमल वेस्ट होता है, ठीक है ना। जैसे ईद, बड़ी ईद आती है, बकरा ईद, उसमें जानवरों का काफ़ी सारा क्या होता है, वेस्ट होता है। चिकन की शॉप्स भी होता है, जितनी मीट शॉप्स हैं उन पे भी वेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, वो वाला वेस्ट। इसी तरह बच्चों प्लांट्स का वेस्ट होता है, जैसे किचन में, ठीक है ना, किचन में आप वेजिटेबल्स का वेस्ट जो होता है, ठीक है ना, सफाई करके जो वेजिटेबल का वेस्ट बचता है, सैलड का वगैरह वगैरह, फ्रूट्स का वेस्ट, छिलके वगैरह उनके, ठीक है ना, जो पील ऑफ करते हैं हम उनसे, वो वगैरह सारा वेस्ट, वो सारा किस में आएगा? इस बायोमास में, ठीक है ना। किस में आएगा बच्चों? बायोमास में। अब ये सारे को हम क्या करते हैं बेटे? कंबस्चन करते हैं। वो कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग एंजाइम्स, हम एंजाइम्स को यूज़ करेंगे।
ठीक हो गया बच्चों। और इनको एक क्लोज्ड कंटेनर में रख के बंद कर देंगे और इस तरह इनको क्या किया जाएगा विद प्लस बैक्टीरियल भी काम होगा इसमें। और बैक्टीरियल फंक्शन क्या है बेटे आपको पता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं डीकम्पोज करते हैं, तो वो इनको डीकम्पोज करेंगे और इस तरह एक चीज़ बनेगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गोटिंग। ठीक है, गोटिंग ऑफ दिस बायोमास, इससे अब एक चीज़ प्रोड्यूस होगी, उस चीज़ को हम कहेंगे बायोफ्यूल। ठीक है ना, गोटिंग, ये गोटिंग प्रोसेस है जिसमें ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगी, इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल इज प्रोड्यूस्ड। अब बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड हो गया इस गोटिंग के प्रोसेस से। ओके बच्चों, हाँ, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये जो नई न्यू प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है, न्यू प्रोडक्ट इज यूज्ड एज अ गुड फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आपको पता है प्लांट्स को हम क्रॉप्स वगैरह की बेटर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, वो फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल्स लाइक यूरिया, आपने 10th केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर में उसकी प्रिपरेशन भी पढ़ी है। ठीक है ना, हाँ, इसी तरह बच्चों अब यहाँ पर एक और बात आती है कि इसको हम, ये जो बायोफ्यूल है इसको हम कुकिंग सर्फिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुकिंग खाना बनाने के लिए जो घर में गैस आती है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस हीटिंग पर्पसेस के लिए, हीटर वगैरह हम चलाते हैं सर्दियों में, सर्दियों में गैस के इश्यूज होते हैं, अगर हम इस बायोगैस को यूज़ करें तो ये भी हीटिंग पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है जी, तो बेटे इसी तरह हमारे पास लास्ट है पॉइंट जियो थर्मल। अब जियो थर्मल से कैसे एनर्जी हासिल हो कि, सबसे पहले आपको इसको वर्ड का मतलब पता, जियो कहते हैं अर्थ को, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन हीट। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो इसका मतलब हुआ हीट फ्रॉम द अर्थ। अब ज़मीन से कैसे हमें हीट मिलती है, अब आप एज यू नो डैट कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ, आवर अर्थ, अब इसका जो सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है, ये हमारी अर्थ है, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर क्या होता है बेटे, मोल्टन मैग्मा होता है इसमें। ठीक है ना, सेंटर इसका जो अर्थ है, अर्थ सेंटर वो क्या है, मोल्टन पिघला हुआ मैग्मा लावा है। ठीक है ना, जब ये मूव करता है तो आपको पता है जलजले आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इसी तरह बेटे ये जो मैग्मा, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं, उससे हम एनर्जी मिलती है हमें, कैसे वो ये देखिएगा। अब जब आपको पता है वाटर कॉन्टैक्ट में आएगा किसके साथ, इसी मैग्मा के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगी बच्चे, स्टीम, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, स्टीम बनेगी, पैदा होगी। अब वो स्टीम क्या करेगी, तो बेटे हम आगे लगा देते हैं चैम्बर्स, टर्बाइंस लगा देते हैं, जैसे चिमनियाँ होती हैं ना बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में तो खैर इतनी सर्दी नहीं होती, जैसे बाहर रशिया अमेरिका इन्होंने हर घर में एक चिमनी बनाई होती है जहाँ अंदर लकड़ियाँ लगा के और धुआं बाहर और हीट अंदर मिलती है, घर गर्म रहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी हम टर्बाइंस लगाते हैं उन चिमनीज के अंदर। जब ये देखें ना, ये चिमनी है, यहाँ से ये स्मोक ऊपर आएगी, धुएँ, ये जो स्टीम है ये ऊपर आएगी, यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है टर्बाइन, तो ये टर्बाइन को जाके पुश करेगी और टर्बाइन घूमना शुरू कर देगा, जिससे क्या बनेगी, बिजली बनेगी। ठीक है ना, हाँ, हाउ वी गोना, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, आपको ये भी बता दिया मैंने, अब इससे बिजली कैसे बनना है वो भी। तो टर्बाइंस को जाके जब ये हीट करेगी, टर्बाइंस आर हीट बाय दिस स्टीम। अब आपको पता है पहले पुराने ज़मानों में चाय बनाने के लिए केतली यूज़ होती थी, अब तो नहीं होती, खैर उस पर छोटा सा ढक्कन होता था, तो जब वो चाय बनने वाली होती थी वो स्टीम अंदर मिक्स होती थी और वो उस ढक्कन को उड़ा देती थी, इतनी पावरफुल होती थी। और इसी तरह आपको पता है प्रेशर कुकर में भी अंदर हीट स्टोर होती है, ठीक है ना, स्टीम, उससे वो जल्दी खाना बन जाता है क्योंकि अंदर स्टीम होती है, तो वो स्टीम बड़ी पावरफुल होती है। ठीक है बेटे, हाँ, तो इस तरह ये स्टीम यहाँ कट्ठी होगी, इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ये इस टर्बाइन को पुश करेगी और ये घूमना शुरू कर देंगे और स्टीम बाहर चली जाएगी। ठीक है, हाँ, और इससे क्या प्रोड्यूस होगी,
दिस इज हाउ वी गोना प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 4 जो आज हमने कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हम बेटे इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बेटे। अगर कोई प्रीवियस मिस हो गया है लाइक चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से, तो आप मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको स्टडी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, लव यू।